Hello everyone, how are you all? My name is Akriti Sharma and I'm here to teach you English for CBSE 12th exam. And we are starting with term 2. So I'm starting a series of videos in which there will be the chapter wise explanation of all the chapters and your language, your literary skills, your writing skills and everything will be included. So we are starting with the chapter The Rat Trap. And it's the chapter of your Flamingo book. So let's get started. So first of all, we are going to start with the introduction. So सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश मैं यूज़ करूँगी एक्सप्लेनेशन के लिए, बिल्कुल हिंदी नहीं यूज़ करूँगी. क्योंकि पूरा अगर मैं हिंदी में बोलूँगी तो आपको जब आंसर्स लिखने के लिए आएंगे तो यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. और जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको सेंटेंसेस कहाँ से मिलेंगे, आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको वहां से मिल जाएंगे. तो जब आप उसको लिखते हैं ना तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स एन इंग्लिश एग्जाम. तो आप मेरे सेंटेंसेस दिमाग में रखिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और आपको वर्ड्स भी मिलेंगे, सेंटेंसेस भी मिलेंगे. क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में मार्क्स उसी के अच्छे आएंगे जो प्रॉपर अच्छे सेंटेंसेस यूज करेगा. तो एग्जामिनर को लगना चाहिए येस दिस इज द लिटरेचर एग्जाम और बच्चे ने लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज करी है. क्योंकि अल्टीमेटली स्टोरी तो सबको मालूम है, तो योर वे ऑफ राइटिंग विल डिटरमाइन द मार्क्स दैट यू आर गोइंग टू गेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रैट ट्रैप लिखी किसने है? तो ये रैट ट्रैप लिखी है सेल्मा लैगलॉफ ने. तो ये 1858 में पैदा हुई थी. जस्ट अ सेकेंड. So she was born in 1858 and she was a Swedish writer and teacher. Ab inko teacher kyun bola gaya? Because she used to teach in a girls school. So as we roll up, I will tell you. So she published her first novel, Gösta Berling Saga. Now this is the key point. Ye aapko yaad rakhna hai. Gösta Berling Saga inka pehla novel tha. Inka pehla best aur sabse popular novel ye Gösta Berling Saga hai. तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा. एंड इफ यू मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ऑथर के बारे में नोबडी कैन से कि आपको कम मार्क्स दिए जाएं. क्योंकि अगर आपने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, 4-5 पॉइंट्स इनके लिए बहुत मेन है, तो ये आप ध्यान से सुनिए एंड योर आंसर विल बी कंप्लीट. सो ये गोस्टा बर्लिंग सागा इनका पहला और सबसे फेमस नॉवल था एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द एज ऑफ 33. पहला नॉवल उन्होंने 33 में पब्लिश किया. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनकी है वो ये है कि शी इज द फर्स्ट वुमन टू गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड शी गॉट इट इन 1909. ओके, फर्स्ट वुमन जिसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए. एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन टू बी ग्रांटेड अ मेंबरशिप इन स्वीडिश अकेडमी इन 1914. नाउ स्वीडिश अकेडमी क्या है? ये इतनी बड़ी बात क्यों है इनके पोर्टफोलियो के लिए? इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो स्वीडिश अकेडमी है वो ऐसे लोगों से मिलके बनाई जाती है जो कि स्वीडिश लैंग्वेज के टॉप नॉच लर्नड लोग होते हैं. तो उनको मिला के अकेडमी बनाई जाती है. मतलब ये अकेडमी है और जो इसके लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि नोबेल प्राइज किसको मिलेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो चीजें, एक तो शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1909 एंड इन 1914 शी वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्वीडिश अकेडमी. ओके, नाउ इन 1885 शी बिकेम अ टीचर एट द गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल इन लैंसक्रोना. 1885 में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था. टीचर थी गर्ल्स स्कूल में. सो शी हैड बीन राइटिंग पोएट्री एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड. छोटे से उन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन उनका काम पब्लिश नहीं हुआ. कब तक? जब तक मैंने बताया, जब तक वो 33 इयर्स की नहीं हो गई थी. अंटिल 1890 व्हेन अ स्वीडिश वीकली गेव हर द फर्स्ट प्राइज इन अ लिटरेरी कॉम्पिटिशन एंड पब्लिश्ड एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द बुक व्हिच वाज टू बी हर फर्स्ट बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वर्क. जब तक कि एक कॉम्पिटिशन हुआ था वीकली, मतलब जो वीकली निकलती है मैगजीन या न्यूज पेपर, तो ये जो स्वीडिश वीकली है इसमें एक कॉम्पिटिशन निकला था. तो उसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे वो भेजे थे, पीसेस भेजे थे अपने गोस्टा बर्लिंग सागा के. तो उसमें उनको फर्स्ट प्राइज मिला और तभी दुनिया को मालूम चला कि ये लिखती हैं एंड शी इज अ टॉप नॉच राइटर.
दिस गोस्टा बर्लिंग सागा वॉज पब्लिश्ड इन 1891। ये बार बार आ रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ बीइंग अ टीचर फर्स्ट, इनका जो राइटिंग स्टाइल ऑथर का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके राइटिंग स्टाइल में क्या कॉमन चीज है? इनके राइटिंग स्टाइल में कॉमन है ये यूनिवर्सल थीम क्या है इनकी राइटिंग में? व्हाट इज द यूनिवर्सल थीम इन ऑल हर स्टोरीज? क्योंकि ये सबसे पहले टीचर ही थी, तो इन्होंने अपनी जो स्टोरीज लिखी उनके अंदर एक यूनिवर्सल थीम थी, वो क्या थी? बच्चों के लिए कोई ना कोई लेसन होना चाहिए उसके अंदर। देयर हैज टू बी अ मॉरल लेसन फॉर ऑल द चिल्ड्रन रीडिंग द स्टोरीज। सो इसमें अंदर इनका यूनिवर्सल थीम जो हर एक स्टोरी में होती है वो क्या है? अ बिलीफ, उनका ये मानना है दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। जो आदमी के अंदर जो उसकी अच्छाई होती है, जो हर किसी में थोड़ी कहीं ना कहीं छुपी होती है, चाहे वो कितना भी बुरा हो सामने से, कितना भी अपने आप को पोर्ट्रे करे कि मैं खराब हूं, मैं रूड हूं, मैं क्लेवर हूं, मैं बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हूं, तो वो जो सारे लोग होते हैं जो अपने आप ऊपर एक शील्ड बना के रखते, कहीं ना कहीं उनके अंदर अच्छाई छुपी होती है। तो इनका मानना ये है कि जो उसके अंदर की अच्छाई है उसको हम अच्छाई से ही बाहर निकाल सकते हैं थ्रू लव एंड कंपैशन। तो जो हम किसी को लव एंड कंपैशन देते हैं उसको एम्पथेटिक यंग एडल्ट में बनाते हैं, तो छोटे बच्चों को, तो वो धीरे 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 उनके अंदर ये सारी अच्छाइयां आती हैं। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग एंड लव है ये छोटे बच्चों में शुरू से वो इनकलकेट करना चाहती थी, वो पैदा करना चाहती थी कि आप अगर अच्छे हो तो ये दो चीजें पूरी दुनिया को बदल सकती है, चाहे वो कितनी भी बुरी हो। तो ये दो चीजें सबकी बुराई पे भारी हैं। अगर आप हर किसी को अच्छे से ट्रीट करेंगे, बार बार उसके साथ अच्छाई करेंगे, अच्छाई करते जाएंगे, तो वो आपके साथ एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी अच्छा बन जाएगा। दैट इज हर बिलीफ। ओके, सो इनका जो यूनिवर्सल बिलीफ है वो ये है, शी फोकसेस ऑन टीचिंग द चिल्ड्रन हाउ टू बिहेव एंड मोल्ड देम इनटू एम्पैथेटिक यंग एडल्ट्स। अब ये मैं बार बार यूज कर रही हूं एम्पैथेटिक यंग एडल्ट्स, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज एम्पैथी? व्हाट इज एम्पैथी? सिंपैथी तो सबको मालूम है, सिंपैथी क्या होता है? किसी के लिए दया कि अरे कितना खराब है, दया मन में दया आती है, पिटी आती है, दैट इज सिंपैथी, उसके साथ सहानुभूति होती है। बट व्हाट इज एम्पैथी? Empathy is stepping into someone's shoes. अगर आप किसी को अब उसकी जगह पर अपने आप को रखे देखें, अरे मैं ऐसा, मेरे साथ हो जाता तो कैसा होता, तो अल्टीमेटली आप उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को शेयर कर पाते हैं, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो। इफ यू सी समवन क्राइंग एंड यू आर एम्पथेटिक टूवर्ड्स दैट पर्सन, तो आपको क्या लगेगा कि बुरा हो गया, आपके साथ कुछ खुद बुरा हो गया। और अगर कोई खुश होता है, आपको कुछ उसकी एक्टिविटीज दिखती है कि अच्छा वो बलून में जा रहा है, हॉट एयर बलून में जा रहा है, और वो खुश, तो आप भी, भले आप जमीन पे खड़े हो लेकिन आपको उतनी खुशी होती है, दैट इज एम्पैथी। ओके, तो वो ये व्यू पॉइंट बच्चों में डालना चाहती थी, उनको एम्पैथेटिक बनाना चाहती थी कि किसी दूसरे के साथ ऐसा मत करो क्योंकि आपके साथ होगा तो आपको भी उतना ही बुरा लगेगा। ओके, सो वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन। पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है काइंडनेस एंड कंपैशन में। इट टीचेस अस दैट मटेरियलिस्टिक थिंग्स नेवर ब्रिंग इन अ जॉय, ओनली लव एंड रेस्पेक्ट अस। आपके पास कितनी भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, मतलब ऐशो आराम है दुनिया में, मोह माया जिसको बोलते हैं, मोह माया लाइक थिंग्स, आपका मतलब ये लव फॉर पैसा भी हो सकता है और जो चीजें होती हैं वो भी हो सकती हैं। कहते हैं ना जो चीजें इकट्ठी करते हैं लोग कि अरे हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, उससे आपको खुशी मिलती है? नहीं, आपको खुशी उन चीजों से नहीं मिलती। बहुत अमीर से अमीर आदमी होगा, उसकी भी लाइफ खाली हो सकती है, वो भी दुखी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली चीजों से खुशी नहीं मिलती है, लव एंड रेस्पेक्ट से मिलती है। अगर कोई आपसे प्यार से बात करे, कोई रेस्पेक्ट से बात करे, तो वो आपको ज्यादा खुश करेगा, बजाय कि वो एक गिफ्ट दे दे और रूडली बात करके चला जाए, यू नो। सो दैट इज व्हाट इनकी यूनिवर्सल थीम यही है, सारी स्टोरीज में आपको यही मिलेगा। एंड रैट ट्रैप जो है उसमें भी इन्होंने इसी बात के बारे में, इसी बात को हाईलाइट किया है। तो अब हम देख लेते हैं रैट ट्रैप के बारे में, जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दे रही हूँ,
स्टोरी के इंट्रोडक्शन की कैसे है, स्टोरी क्या है, फिर डिटेल्स जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, सो अबाउट द रैट ट्रैप, थॉट टू बी वन ऑफ सेल्मा लैगोलॉफ्स अर्लीस्ट वर्क्स. ये इनके अर्लीस्ट वर्क्स में से है. शी रोट इट व्हेन शी वाज इन हर ट्वेंटीज, अराउंड 1880 ये लिखा गया था. ओके, द रैट ट्रैप इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट वाज लाइकली रिटन इन 1880s बट पब्लिश्ड मच लेटर. बहुत बाद में पब्लिश हुआ क्योंकि सबसे पहले इनका बॉस्टा बर्लिंग सागा पब्लिश हुआ था. ओके, द स्टोरी फोकसेस ऑन अ वैगाबॉन्ड हु मेक्स हिज मियागर लिविंग बाय, व्हाट इज मियागर? अब ये मियागर का क्या मतलब होता है? मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग. मियागर लिविंग बाय बिल्डिंग रैट ट्रैप्स. सो एक आदमी है स्टोरी में. ओके, ही इज सपोज टू बी अ वैगाबॉन्ड. अब वैगाबॉन्ड कौन होता है? वैगाबॉन्ड होता है एक होमलेस और एक जॉबलेस आदमी. जॉबलेस होगा तो ऑब्वियस ही बात है होमलेस तो होगा ही होगा, और हमारी हिंदी भाषा में आप बोलो तो आवारा, जो सड़क पे घूमते रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है. ओके, चोर चक्के टाइप जो होते हैं, तो वो होता है वैगाबॉन्ड. हु मेक्स हिज मियागर लिविंग, थोड़ी बहुत अपनी लिविंग मतलब अपनी इनकम थोड़ी सी किसी तरह जनरेट कर लेता है. कैसे? By building rat traps with bits of materials, छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों से वो क्या बनाता है? वो rat traps बनाता है. Rat trap, चूहेदानी बनाता है वो. उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो लोहा खरीद लाए और चूहेदानी बनाए. वो लोहा कहाँ से मैनेज करता है? वो शॉपकीपर्स और फार्मर से लोहा बेग करता है. वो जो उसको खैरात में देते हैं, अच्छा ले ले जा थोड़ा, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा. जो उनके पास थोड़े बहुत टुकड़े होते हैं उनको दे देते हैं वो. तो वो वैगाबॉन्ड जो है ना वो इनसे बेग करके अपने रैट ट्रैप्स बनाता है. ही सेल्स देम इन द टाउन्स ही पासेस थ्रू. जहां जहां वो घूमता जाता है वहां वहां वो उनको बेचता चला जाता है, तो थोड़े बहुत पैसे उसको मिल जाते हैं. ओके, द रैट ट्रैपर हु गोज अननेम्ड अंटिल द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी वेयर ही अडॉप्ट्स द नेम ऑफ कैप्टन वॉर्मस्टाल वेयर्स हिज रैट ट्रैप्स लाइक पेंडेंट्स अराउंड हिज नेक. तो इसमें पूरी स्टोरी में इस वैगाबॉन्ड में बार बार बोल रहे हैं वैगाबॉन्ड क्योंकि इसका नाम नहीं दिया हुआ है इस पूरी स्टोरी में. लास्ट में जो ये साइन करता है वो आप स्टोरी में पढ़ोगे आगे, लास्ट में ये अपने आप को कैप्टन वॉर्मस्टाल के नाम से साइन करता है एक जगह पर, है ना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे. तो ये क्या करता है, पेंडेंट्स को अपने वो पेंडेंट्स की तरह रैट ट्रैप्स को अपने गले में डाल के घूमता है. आपने देखा होगा चाबी वाले भी होते हैं, कभी कभी गले में डाल लेते हैं सारी चाबियां, तो वो इसी तरह घूमता है. और स्टोरी में दिखाया है कि उसका जो हुलिया है, जो उसका टायर है पूरा, वो बहुत ही ज्यादा मतलब गरीबों वाला है. उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, एंड बिल्कुल चोर चक्के वाला उसका वो है. नाउ अब ये स्टोरी, ये तो हो गया प्रोटैगनिस्ट के बारे में. नाउ व्हाट इज अ प्रोटैगनिस्ट? अ प्रोटैगनिस्ट इज अ मेन कैरेक्टर दैट टेक्स द स्टोरी फॉरवर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एलिगरी ऑफ द स्टोरी. ओके, नाउ व्हाट इज एन एलिगरी? देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एलिगरी. ये एलिगरी क्या होता है? इट्स द मेन आइडिया, वो मेन आइडिया जो स्टोरी साथ में लेके चलता है. अब ये मेन आइडिया किसका है, कैरेक्टर का, कौन से कैरेक्टर का है? ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली जो मेन कैरेक्टर होता है उसी का होता है. तो इसमें इसका आइडिया है वैगाबॉन्ड का, दैट द प्रोटैगनिस्ट थिंग्स ऑफ इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स. जो चलते 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 यहाँ से वहां भटकते हुए उसके दिमाग में एकदम से एक बात आती है. उसके दिमाग में बात ही आती है क्योंकि वो 24 घंटे रैट ट्रैप्स के साथ रहता है, उसका दिमाग उसी में लगता है, कोई उसका कंपेनियन नहीं है, कुछ नहीं है. तो बहुत ऑब्वियस सा थॉट उसके एक दिमाग में आ जाता है, बड़ा एक डीपली सिनिकल सा थॉट. वॉट इज डीपली सिनिकल नाउ? डीपली सिनिकल मतलब एक सेल्फिश सा थॉट. अगर आप किसी को डीपली सिनिकल बोलते हैं तो इसका मतलब वो बहुत सेल्फिश है, उसके लिए आप ये सोच रहे हो कि हाँ ये सेल्फिश है. अब उसके दिमाग में क्या थॉट आता है कि ये रैट ट्रैप देख के, वो रैट ट्रैप के साथ ही रहता है, तो उसके दिमाग में बड़ा ऐसा थॉट आता है कि ये दुनिया तो रैट ट्रैप है, द वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप. जैसे कि रैट ट्रैप के अंदर हम बिट्स ऑफ चीज एंड स्टोरी में पोक दिया हुआ है क्योंकि ये स्वीडिश स्टोरी है, तो हम लोग क्या डालते हैं, चीज के टुकड़े डालते हैं और रोटी का टुकड़ा डालते हैं. तो जिस तरह हम माइस को ल्योर करते हैं, हम उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको लालच देते हैं कि ये इसके अंदर आए, इसको खाएं और ट्रैक हो जाएं. तो वो ये कहता है ये दुनिया भी ऐसे ही है, ये दुनिया के ऐशो आराम जो है, छोटे छोटे टेम्पटेशंस हैं,
ये हमें फंसाने के लिए बनाए गए. दे आर लाइक दोस पीसेस ऑफ चीज जो कि रैट ट्रैप जो ये दुनिया है उसने रखी हुई है अपने अंदर कि हम जाएं उसको, उसके लिए टेम्प्ट हो, उसके लिए कदम बढ़ाए और वो हमें पकड़ ले. सो ये इसकी पूरी थिंकिंग है और इसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है. तो धीरे धीरे क्या होता है, देखो मैं आई रीड इट. थिंग्स ऑफ इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल्स दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप एंड दैट लाइफ विद ऑल ऑफ इट्स टेम्पटेशंस एंड मोमेंट्स ऑफ होप is laden with bits of cheese and meat that seduce the living onto the course of their downfall. Iska kya matlab hai? Seduce the living onto the course of their downfall. This means ki hame seduce karte hain, hame lure karte hain, hame lalach dete hain aur fir jab usme phans jate hain, wo hame phansane ke kaam aata hai, wo hame patan ki or le jata hai. Downfall means patan. Wo hame patan ki or le jata hai. Though its themes may not necessarily align with most children's tales, the rat trap clearly proposes a moral lesson. ये एक fairy tale नहीं है, इसकी theme एक बच्चों जैसी बिल्कुल fairy tale वाली theme नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर एक moral lesson जरूर है. I hope आप लोग को समझ में आ रहा है. Now, Lagerlöf begins the tale by depicting the protagonist's deeply cynical view. Deeply cynical view. Just a second. Yes. Protagonist deeply cynical view. Deeply मतलब deeply cynical मतलब selfish view. Protagonist का क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था. वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं कि नहीं मिल पा रहा, अरे तो सब मिथ्या है, बेकार है, छोड़ दो इसको. यू हैव टू लीव, दीज आर द ऑल द वर्ल्डली प्रेशर्स, दे विल ट्रैप यू, यू हैव टू बी एलिवेटेड, स्पिरिचुअली एलिवेटेड. सो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था. ओके, व्हाई इज दिस डूइंग दिस. दिस होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, बट देन शी डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ हिज परसेप्शन इज शेप्ड बाय लार्जली बाय हाउ ही इज ट्रीटेड बाय अदर पीपल. उन्होंने ये तो बताया कि ये वर्ल्ड रैट ट्रैप है, लेकिन जो राइटर है ना, शी इज नॉट पेसिमिस्टिक एट ऑल. वो बुरी चीजें नहीं दिखाना चाहती. Why? Because she has been a teacher and she wants to give a moral lesson. So she is not going into all the negative things कि ये खराब है और ये इसकी सोच खराब है. No, वो ये दिखाती है कि इसकी सोच तो खराब है, but जिस तरह लोगों ने उसको treat किया, he came out of that. उसको उस trap से उसको आजादी मिल गई. He came out of that trap because people treated him with love and compassion. तो उसने अपनी ये जो उसका सिनिकल व्यू था वो उसने छोड़ दिया. उसको लगा नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है, इट्स नॉट अ रैट ट्रैप. ओके, इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, द प्रोटैगनिस्ट एनकाउंटर्स अदर लोनली पीपल इन वेरियस लेवल्स ऑफ कंफर्ट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. उसको अलग अलग लोग मिलते हैं जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है. उसको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसे वाला, थोड़ा कम पैसे वाला, तो थोड़े ज्यादा मैनर्स वाला, थोड़ा कम मैनर्स वाला, तो इस तरह उसको लोग मिलते हैं. तो ये क्या होता है, एंड जो उसको काइंडनेस मिलती है वो उससे चेंज हो जाता है. ही रिसीव्स द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड इज ट्रीटेड पर्टिकुलरली वेल बाय द आयरन मास्टर. इसमें एक कैरेक्टर है आयरन मास्टर, वी स्टडी अहेड, हु मिस्टेक्स हिम फॉर हिज ओल्ड आर्मी बॉडी. इसमें एक आयरन मास्टर है जो कि उसको अपने एक आर्मी बॉडी के तौर पर मिस्टेकन कर देता है. उसकी आइडेंटिटी उसको ऐसा लगता है कि आर्मी बॉडी है, क्योंकि उसकी दाढ़ी वगैरह बढ़ रही होती है तो वो उसको अंधेरे में पहचान नहीं पाता है. तो वो उसको काइंडली ट्रीट करता है कि अच्छा ये तो मेरा बॉडी है, शायद कुछ मिसफॉर्च्यून इसके ऊपर हो गया और बदनसीबी है कुछ इसकी, वो इस तरह गिर गया है, मतलब इस तरह दिख रहा है, वो इस हालत में है. द रेडिकल काइंडनेस ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर, लेकिन जो आयरन मास्टर की डॉटर है उसकी काइंडनेस, मैजिकल काइंडनेस, जो उसने इतनी काइंडनेस दिखाई हर एक चीज जानते हुए, तो जो वो है वो उसको चेंज करती है. मेनली डेमोंस्ट्रेट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, और उसी से जो सेल्मा लैगरलॉफ है उन्होंने मॉरल ऑफ द स्टोरी डेमोंस्ट्रेट किया है. वो क्या है, दैट मेनी पीपल मे राइज और सिंक
to the expectation of others. Lagerlof shows her reader that it matters how we treat others, because it will likely reform how they interact with the world. Now, this is a bit of tough English to be understood in one go. Otherwise, it's very easy. See, the moral of the story is that many people rise or sink to the expectation of others. कि बहुत सारे लोग जो हैं या तो दूसरों की expectations में rise कर जाते हैं या फिर sink कर जाते हैं. कुछ ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं तो वो खड़े नहीं उतर पाते, और कुछ सोचते हैं अच्छा ये मुझसे ऐसे एक्सपेक्ट करता है, ओके माई टीचर थिंक्स वेरी हाई ऑफ मी, आई एम गोइंग टू स्टडी वेरी हार्ड एंड सिक्योर वेरी गुड मार्क्स, और कुछ सोचता है ये उन्होंने उसे इतना एक्सपेक्ट कर लिया, इतना मैं कैसे करूँगा, तो ही टोटली ड्रॉप्स. तो लोगों का जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली वो रिएक्शन होता है टू अदर्स एक्सपेक्टेशंस. तो ये ज़्यादातर बहुत होता है, ये हमने यही बता रही है वो कि हमने इसको इग्नोर कर रखा है इस चीज को. ये बहुत होता है एंड वी शुड थिंक अबाउट इट एंड दैट इट मैटर्स हाउ वी ट्रीट अदर्स बिकॉज इट इज लाइकली रिफॉर्म हाउ दे इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड. हम जैसे उनको ट्रीट करेंगे वो वैसे ही वापस ट्रीट, मतलब वापस रिस्पॉन्ड करेंगे. अगर हम सोचेंगे उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनको रेस्पेक्ट देंगे, तो वो भी अल्टीमेटली लोगों को रेस्पेक्ट देंगे. इट विल रिफॉर्म हाउ दे इंटरेक्ट द वर्ल्ड, इट विल इम्प्रूव द वे हाउ दे इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, इट दे विल बिकम पॉजिटिव. तो लव एंड कंपैशन, काइंडनेस, ये सारी ऐसी खूबियां हैं जिनको पूरी मतलब जिनके अंदर दुनिया को चेंज करने की ताकत है. दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू कन्वे. एंड इफ यू राइट दीज लाइन्स, जो ये मैंने लिखी हुई हैं, इफ यू राइट दीज लाइन्स आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द लाइन्स, दे हैव एक्सीलेंट way of explanation and excellent lines they are for obtaining marks. So you can write this if you want. I think that is enough. Now we are going to do this, the summary of the rat trap, in the next video. Or first I will upload the word-to-word translations of the chapter and then the summary will come. I hope you enjoyed the video. Do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you very much.